अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे एवलन कॉस्मेटिक्स के एक और प्रोडक्ट के बारे में। इस एवलन कॉस्मेटिक्स के एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम का हम आपको पहले रिव्यू दे चुके हैं। वेरी बेस्ट, वेरी बेस्ट, बहुत ऑसम थी मॉइस्चराइजर उनका। स्टिकी भी नहीं था, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं थे। उसके बाद हमने प्रोडक्ट परचेज की, ये वाली एवलन कॉस्मेटिक्स की गोल्ड लिफ्ट एक्सपर्ट 40+। जी, ये 40+ लोगों के लिए, खासतौर पे 40+ के पास जिनके झुर्रियाँ, एजिंग इफेक्ट्स, ओपन पोर्स आना शुरू हो जाते हैं, ये स्पेशली उनके लिए बना है और वाकई उन पे ये वर्क करता है। ये हमारी अम्मियों के लिए बड़ा बेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि 40 के बाद अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख सकती, स्किन रूटीन नहीं देख पाती, लेकिन उनके एजिंग इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, लाइक पोर्स ओपन हो जाते हैं या झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, चाहिए आना शुरू हो जाती हैं, या फिर आंखों के नीचे लाइंस आना शुरू हो जाती हैं। ये डे फर्स्ट से उन पर काम करता है। इनफैक्ट जब ये अम्मी ने ये फर्स्ट डे लगाया, तो नेचुरली उनका डे फर्स्ट लगा के कुछ चेंज आया स्किन पे, स्किन को स्मूथ बहुत ज़्यादा कर देती हैं। अब ये देखते हैं क्लेम क्या करते हैं। ये है गोल्ड लिफ्ट एक्सपर्ट 40+, लाइक जिनकी एज 40+ हो, ये उनके लिए है। 40+ होते हैं आपने इस्तेमाल करना है। रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी ऑफ लिफ्टिंग गोल्ड थ्रेड्स, लग्जेरियस फ्रेमिंग क्रीम सीरम विद 24K गोल्ड, डे एंड नाइट क्रीम रिड्यूस रिंकल राइट फ्रॉम द फर्स्ट यूज। ये खुद भी क्लेम कर रहे हैं, देखें, रिड्यूस रिंकल्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट यूज, यानी पहले इस्तेमाल से ये रिंकल्स कम करना शुरू कर देगा, और ये वाकई करता है, इट वर्क्स। इसका कोई भी वो फास्ट, हार्ड एंड फास्ट इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ आपने क्लीन फेस करना है, फेस वॉश करना है, डे एंड नाइट में आपने इसको यूज करना है। स्पेशली आप नाइट में इसको लाजमी लगाएं, क्योंकि दिन में जो होता है चेहरा बार बार वॉश हो रहा होता है वजू करने के लिए या दीगर, तो फिर रात में आपने इसको ज़रूर लगाना है। ये लिफ्टिंग का बहुत अच्छा काम करती है, जिन लोगों के पोर्स ओपन हो चुके हैं, जिन लोगों की आंखों के नीचे लाइंस आ रही हैं, झुर्रियाँ आना शुरू हो गई हैं, चाहियाँ आ गई हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। थोड़ी सी कॉस्टली होती हैं इनकी क्रीम्स, लाइक पाकिस्तानी 1000 रुपीज़ से प्लस होती हैं, लेकिन इट वर्क्स। आप जो फॉर्मूला क्रीम यूज़ करते हैं वो ख़तरनाक किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स करती हैं, और जो है उनके इस्तेमाल से आप बहुत ज़्यादा पीछे अचानक चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टिकीपन बहुत ज़्यादा है। तो अब हम निकाल के दिखाते हैं आपको किस तरह से। ये देखें, बॉक्स बहुत बड़ा है, लेकिन क्रीम इतनी बड़ी नहीं है, नन्नी मुन्नी सी ये क्रीम इनकी। अच्छा, एवलन की दूसरी भी जो मैंने प्रोडक्ट ली थी ना, उनका भी यही था कि बॉक्स बड़ा सारा था, पैसे बड़े सारे थे, लेकिन क्रीम बहुत छोटी थी। तो ये इस तरह से कांच की बॉटल है, ये देखिए एवलन कॉस्मेटिक्स गोल्ड लिफ्ट 40, ये देखिए। अच्छा, इसकी एक अच्छी बात यह है कि बिल्कुल स्टिकी नहीं है, लाइक आप किसी वक्त भी इसको लगा लें। एक तो ये स्किन को स्मूथ बहुत अच्छा कर देती है, ऊपर से कोई शाइनिंग, कोई स्टिकी, कोई वाइट कास्ट कुछ भी नहीं है, लाइक फील ही नहीं होता कि आपने कुछ लगाया है। किसी के अच्छे को भी नहीं पता चलेगा कि आपने स्किन पे कुछ लगाया है। स्मेल फ्रेग्रेंस बहुत हसीन है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू है। तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी उन लोगों के लिए जिनकी एज 40+ है, वो इसको लाजमी यूज़ करें, क्योंकि हमारी जो हमारा वेदर है उसमें आपका 30+ हो, 40+ हो, आपको स्किन का ख्याल रखना क्यों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बात है कि आपके चेहरे की खूबसूरती, आपकी स्किन की ग्लो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आप ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है। अपने हाईली प्रोडक्ट हाईली रेकमेंड करूँगी उन लोगों के लिए जो कि 40+ हैं, जिनको स्किन एजिंग के जो है असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं, और वो उसको बतदरीज थोड़ा सा कम करना चाहते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता रोनुमा हो, तो उनके लिए हाईली रेकमेंड एवलन कॉस्मेटिक्स की गोल्ड लिफ्ट एक्सपर्ट 40+। मेरी तरफ से ये हाईली रेकमेंडेड है, ज़रूर यूज़ करें, अपनी अम्मी को ला के दें एज गिफ्ट, एज उनको स्किन केयर के लिए ज़रूर ला के दें। थैंक यू सो मच। आज की प्रोडक्ट का रिव्यू यहीं ख़त्म होता है, अगली नई किसी वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट, किसी नई किसी रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दुआओं में बहुत सारा ढेर सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।